subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको आर्टिकल समझने में बहुत ही आसानी होगी। आर्टिकल लिखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि लेटर राइटिंग और नोटिसेस में आपको क्वेश्चन में ही उसका लेआउट दे दिया जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से 30 से 40 वर्ड्स में उस लेटर या नोटिसेस को लिख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको 150 से 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब 150 से 200 वर्ड्स लिखने के लिए आपकी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी होगी जिससे एग्जामिनर आराम से अट्रैक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ पावरफुल वर्ड्स का यूज करना होगा, मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब आप लोगों में से कुछ लोगों की वोकैबुलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी वोकैबुलरी एवरेज है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप इस कार्ड पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपको आपका कंटेंट लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको उस टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस टॉपिक पर डीप नॉलेज नहीं है तो आपको 150 से 200 वर्ड्स लिखने में मुश्किल होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा आर्टिकल कैसा होता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। इसमें सबसे ऊपर तो हमें लिखना होता है टाइटल, जो कि एकदम कैची होना चाहिए, और उसके बाद हम लिखते हैं बाय, मतलब ऑथर का नाम जो भी उस आर्टिकल को लिख रहा है। ऑथर लिखने के बाद हमें लिखना होता है आर्टिकल की बॉडी। अब आर्टिकल की बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब जो 150 से 200 वर्ड्स हैं उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पैरा के रूप से जानते हैं। फर्स्ट पैरा में हमें लिखना होगा पर्पस और कोहेरेंस, मतलब हमें उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होगा। जैसे कि अगर हमारा टॉपिक है सेव द अर्थ, तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग से चालू कर सकते हैं और ये यूजुअली 50 वर्ड्स के अंदर ही होता है। फिर सेकंड पैरा में हम लिखते हैं इफेक्ट्स एंड कॉजेज, और ये लिखा जाता है 75 वर्ड्स के अंदर। जैसे कि अगर हमारा टॉपिक है सेव द अर्थ, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी कारण ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल जाती है और वो पानी हाई एरिया से लो एरिया की तरफ जाता है और इसी कारण अर्थ पर आए दिन बाढ़ आती रहती है। थर्ड पैरा में हम लिखेंगे कंक्लूजन और सॉल्यूशंस, मतलब जो भी इफेक्ट्स और कॉजेस थे उसके सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर हमारा टॉपिक है अर्थ डे या सेव द अर्थ, तो हमें उसमें लिखना होगा कि हम एक ऐसा कैंपेन चला सकते हैं जिसकी मदद से हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कम करने के लिए, क्योंकि उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। या फिर हम एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जिससे हम लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर सकें कि आप पॉलीथिन का यूज कम करें। और थर्ड पैरा जनरली 25 से 30 वर्ड्स के बीच में लिखा जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल जिससे आपको आर्टिकल और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, टेलीविजन इज टर्म्ड एज एन इडियट बॉक्स इन मेनी कंट्रीज। कीपिंग इन व्यू दिस ओपिनियन, राइट एन आर्टिकल इन 150 टू 200 वर्ड्स। You are Rohan, a resident in Mumbai. तो आर्टिकल की शुरुआत हम करेंगे एक टाइटल से जो कि एकदम कैची होगा, जैसे कि Influence of TV on Young Minds. उसके बाद लिखा हुआ है by Rohan, Mumbai. By के बाद हम लिखते हैं author का नाम। तो इसमें author का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था Rohan, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है Rohan. उसके बाद हमने first three lines में इस topic का introduction दिया हुआ है, जैसे इन मैनी कंट्रीज टीवी इज टर्म्ड एज इडियट बॉक्स, और उसकी नेक्स्ट थ्री लाइन में हमने पैरा टू लिखा हुआ है, मतलब हमने उसमें इसके इफेक्ट्स और कॉजेस बताए हैं, और लास्ट की थ्री लाइन में दिया हुआ है सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है और कंक्लूजन क्या है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो।
तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।